जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम। ओम हं हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये हमारे हनुमान जी कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर बलशाली। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका आकाश। और अभी गर्मी का मौसम बढ़ गया है तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ रोड के पास यहाँ पे नज़र आते हैं। अभी मैं उनको लेने आया हूँ, शायद अगर वो मेरे को मिल जाए तो, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल्स वगैरह आते रहते हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कि लाइक नोएडा के या फिर दिल्ली के या फिर यहाँ ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं रोड पर, आप आइए लाइक मिलिए उनसे। अम्मा कहाँ हो, जाओगी, कहाँ रहती हो? कहाँ रहते, मंदिर में? हाँ तो फिर यहाँ पे बैठी हो। खाना पीना तो वो तो मैं आपको दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, लेकिन फिर मांग के कोई अच्छा तो नहीं होगा। एक ना हमारे वृद्धाश्रम में रहोगी, वहाँ रहना खाना पीना दवाई सब कुछ मिलेगा, सेवा अच्छा मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगा। बाबूजी यही पे नोएडा में है। हाँ चलो मेरे साथ, परेशान मत हो, हम भी आपके बेटे ही हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको ले जा रहे हैं। ये जो हमारा वेन्यू है ना, यहाँ वृद्धाश्रम है, हमारे और भी राज्यों में वृद्धाश्रम है। कहाँ पे आओ, फिर हम लोग आते हैं, फिर लाइक वहाँ से उठा लो सामान, वहाँ रह लो आश्रम में, वहाँ रहना पीना सब मिलेगा आंटी। ये यहाँ पे रोड पे बैठ के गर्मी में रहते हो, परेशान होते हो है ना, और बीमार रहते हो, अभी आपकी उम्र नहीं है मतलब रहने वाला रोड पे, वहाँ रहोगी सब व्यवस्था मिलेगा आपको। हाँ हम भी आपके बेटे जैसे रहेंगे, बेटा ही बन के रहेंगे, तो फिर आशीर्वाद देते रहो ऐसे ही। चलोगे आश्रम, चलोगे? दो चार दिन निकल गए तो कहाँ पे मिलोगे आप? कौन दो नंबर गेट? अच्छा वहाँ नोएडा वाले में, 18 वाले में, कौन से वाले नंबर पे, कौन से गेट नंबर पे? दो नंबर कल। और जो वो जो बूढ़ी अम्मा बैठी है वो भी? उनसे ना कहो, अपन नहीं को से कह रहा, आप नहीं। अच्छा अपना देखो, को अपन देखो। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग को तो देखो सबको देखना पड़ेगा ना माते। जाओगे आप, जाओगे आश्रम में? बताओ कौन कौन है आपके यहाँ, बेटा बेटा कौन कौन रहता है आपका? अच्छा भाग गया बेटा, भाग गया छोड़ के आपको? अच्छा कहाँ है वो? तो हाँ जैसे पता से मतलब जैसे रोड पे लिए है क्या है लिए? घर पर अब होता है जैसे हमारे इतना वृद्धाश्रम है, बुझिए इतना बगल में वृद्धाश्रम से होता रहे की व्यवस्था, खाना पीना दवाई सब मिलत। नहीं मालूम जब हमारे साथ रह ले बेटा रहल बग आदमी मार देलक बेटा के। बेटा तो हम ही छे ना, के समाज से जे चले छे जे नहीं दे छे तकरो दुआ मांगा बे छे बउवा, जब हमारे संग जब हां सुरक्षित रख जब हमारे संग रह ले बेटी कत जाए कत्ते पे एक बेटी छे? आ कत्ते पे एक बेटी है यहां के? बेटी जवान है, बच्चा सब छे छोटा। अच्छा बेटी हो के बेटी का हस्बैंड कहाँ छे? बेटी के हस्बैंड जुगाड़ी शराबी छे। हाँ तो फिर अहाँ क्या है तब बैठ के भीख मांग रहा छे? मांग छी अपना पेट। हाँ तो आबू ना हमर लंग होता ना, सब कुछ मिलत अहाँ के, अहाँ का भोजन भात। हाँ तो ओकर 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 बाप ओकर देखते ने, तो अहाँ के जिम्मेवारी ले छी अहाँ, एतबा अहाँ के लाइक नहीं है आपने मतलब अथी की उम्र जे ई गर्मी में बैठबे एत ना आज यहाँ एत भीख मांग रहा छे। चलू हमार संग होते ना रह बढ़िया से रह। हाँ तो जैसे भगवान ने भेजल के है ना अलग जब है
बच्चा सब के ना छोड़ दे भगवान। बच्चों सब को देते तब बेटी के बेटी है छे चार था नहीं दे छे बच्चों का रख लेबे होता है ना बच्चा सब छे बच्चों का रख लेबे। हां ई वाला हालत तो छे त हम तो मतिक लगते है हां हमर जैसे मैं सब भेलिए आज जैसे मैं सब भाई का रोड पर अबे तो ठीक लगता है चल भाई संग में चलू ना नहीं आया तुम क्या चलू ना ना उतर जता रहबे उतर जैसे भगवान के मर्जी छे आहा सब एता रोड पर रहे छे तो ठीक थोड़े लगता है आए? बाबू के कोई चिल्लो नहीं करते 2 लाख के महीना कोटला में कमावे चले या बाबू हमार दुश्मन सब लो लेल के बाबू के भगवान नहीं लेल के दुश्मन सब लो लेल के आई माँ 1 टका 2 टका ला पैसा बैठे भगवान छीन ले भगवान छीन लेते तो संतोष बांध लेती है मालगाड़ी जे आबै छै तकर मैनेजर छलै हमर बउआ 2 लाख रुपया कमबै छलै ये महीना अच्छा मां कहिया कब के कर कपार में उन्होंने हमर गौ माते गौ सुनो हमरा आहां जे छै रहबे होते ने सब व्यवस्था मिलत आहां के जे आहां के बच्चा सब ये आहां के बच्चों सब के रख ले होते ने भगवान का सेवा सब आते आहां से बच्चा के नाम होता ना दाखिल बैठते थी ना तो भेज देबे इतनी वृद्धाश्रम से नोडा में बगल में सब रहे के सब व्यवस्था छे बताली के दो दिया में अच्छा आहा आबू ना हमरे संग में जेबे खान आहा के केना नंबर दी रुको इस चीज केस ये जे छे हमर अति छे नंबर छे खोलू एकरा में ये है नंबर इसमें जे छे नंबर छे बुझिए ना कि माँ जी अहाँ सब मिथिलांचल के छे और इस मैथिली के भाई का ना रोड पर अबे तो नीक लगता है चलू ना हमारे संग बेटा छे ना अहाँ हम हमू तो बेटो भेलो अहाँ के बच्चा सब के बता देबे ने तो अहाँ जे माँ ओकर एत बैठ के भीख मांग रहा है जखन बच्चा सब के नीक नीक जैसे लगता है आज जे माँ होता ना जैसे व्यवस्थित हमारे हिसाब से राहत होता है ना हमारे हमारा माँ को अच्छा लगत अच्छा ही हमारे ओकरा में सबके 16 में रहे छे कर लीजिएगा मोबाइल फोन हमको आप मुझे कभी आपको दिक्कत होगा माते आप इस वाली नंबर पर लगा लीजिएगा फोन आप जब हमको बुलाएंगे ना हम एकदम आ जाएंगे दौड़ के आपके पास पर आप यहाँ पे ना रोड पे भीख मत मांगे अच्छा नहीं लगता है माँ आप इतने बड़े हैं बुजुर्ग हैं दादी की उम्र की छी यहाँ हमारे हाँ इतना बैठ के भीख मांगे छे एकदम हमारा जैसे मन के बिल्कुल अच्छा नहीं लागल हाँ जैसे रहबे होते ना सब व्यवस्था मिलत अहाँ के लाइक वहाँ रहने का खाने का सब कुछ मिलत अहाँ बता देवे हमारा अहाँ ठीक से माता प्रणाम आशीर्वाद दियो प्रणाम गोर लगे छी बता देब जल्दी हमरा ठीक छै
बहुत दिन से हमारे आश्रम में यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, और हल्द्वानी वाले आश्रम में भी वहाँ पे मैट्स की रिक्वायरमेंट थी। मैट्स मतलब योगा मैट्स के लिए, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है इस वाले मैट का, तो दो मैट्स यहाँ के लिए और दो मैट्स हमारे हल्द्वानी वाले आश्रम के लिए। ये हमारे बनारसी बाबा जो हल्द्वानी से यहाँ पे आए हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए। अभी वंसल गो टू द हल्द्वानी आश्रम, मैं इनको साथ ले जाऊँगा। साइज़ देखिए बहुत बड़ा है, तो इस पर लाइक बैठ के आराम से मॉर्निंग का योगा और यहाँ पे आरती शाम में मंदिर के सामने आरती भी आराम से यहाँ पे हो सकती है। अभी हमने अपने वैन में जो हमारी हल्द्वानी और अपने नोएडा वाले वैन है उसमें हमने लगाया स्टिकर सेव द ह्यूमैनिटी का, और हमने एक अपना सोशल मीडिया को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हमने अपने वैन में ये भी लगवाया है। यूट्यूब है आपका, सारे जो भी होते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ उसके लिए है। तो आई होप और दीदी क्या हाल चाल? अजय भैया, अजय भैया आई, ये देखो बराबर हो गया पूरा, ये तुम्हारा पेड़ अपने इसमें देखो लाल लाल भी आ रहे हैं, ऐसे ही मोड़ के यहाँ पे ले आई, अगर तो फिर दे देनी है दिया तब बेटा दिया मिक्स करके दिया गुड अच्छा है। अभी ये वाले हमारे आपका नोएडा वाले आश्रम के लिए बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी तो नया स्टार्टिंग है बट आई विश की जल्द से जल्द बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। मेनली यहाँ पे राशन की दिक्कत होती है और बाकी चीज़ें हैं और मेडिकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक यहाँ पे मतलब एम्बुलेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बाकी मेडिकल चीज़ें जो हमें बनाना है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। एक यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हमें सर हैं और उनके लिए एक मेडिकल बेड्स, बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारे नोएडा वाले आश्रम में, क्योंकि लोग आए दिन लाइक बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे वो आपके हल्द्वानी वाले में भी अपने आश्रम, तो वहाँ तो वहाँ रहने की स्पेस ही नहीं है, वहाँ तो पूरा फुल हो चुका है। तो वी नीड टू बिल्ड लाइक मोर रूम्स हियर एज वेल एंड इन द हल्द्वानी आश्रम एज वेल। तो बट आई लाइक डू बिलीव कि मतलब हनुमान जी का वो आशीर्वाद हमेशा रहा है और आप लोग का भी आशीर्वाद हमेशा रहा है, तो हो जाएगा सब अच्छे से, हो जाएगा सब बने। नमस्ते, हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, कीजिए कमेंट कीजिए प्लीज़।